आज हम बात करेंगे गोडावण के बारे में। गोडावण को राजस्थान राज्य के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है और ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये खुले घास के मैदानों में इसका आवास है और ये क्यों हो गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि ये जो पावर लाइंस हैं उससे भी टकरा कर ये मृत हो जाते हैं। फिर ये जहाँ खुले में अंडे देते हैं तो हाँ वो नष्ट होने का खतरा रहता है। और ये 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत संरक्षित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और हम इसके बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो गोडावण काफी हेवी बर्ड माना जाता है और वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है संसार में। और ये काफी लंबा होता है। इसका वजन 15 किलो लगभग होता है, 4 फीट लंबा होता है। ये मेल एंड फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। भोजन के रूप में ये आर्थ्रोपोड वर्म्स, छोटे मैमल्स, छोटे साइज के रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, लोकस्ट, क्रिकेट, बीटल्स इत्यादि को ग्रहण करता है। वीट, मूंगफली, गेहूं, मूंगफली के दाने भी ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब कुछ एक प्रिडेटरी बर्ड्स द्वारा भी यह भोजन के रूप में ग्रहण किया जा कर लिया जाता है, मतलब प्रीडेटरी शिकारी पक्षियों से भी इसे खतरा होता है, जैसे गिद्ध है और ईगल्स हैं, तो इनसे गोडावण को खतरा होता है। नेचुरल एनिमीज हैं ये। और जो वुल्व्स हैं ये अटैक करने में सक्षम होते हैं गोडावण को। फिर कुछ डॉग्स, जैकाल्स इत्यादि ये सब भी अटैक करते हैं। और जो एग्स हैं इसके बहुत कम संख्या में दिए जाते हैं, एक या दो ही एग्स ले करता है गोडावण। पर चूंकि ये जमीन पर इसके नेस्ट्स ये बनाता है तो एग्स को खतरा होता है मंगूज के द्वारा, मॉनिटर लिजर्ड्स के द्वारा, वल्चर्स के द्वारा और कुछ अन्य पक्षियों के द्वारा। और ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जहां पर भी ये मैदानों में घास के मैदानों में ये जहां रहता है और नेस्ट बनाता है और एग्स ले करता है तो वहां ह्यूमन इंक्रोचमेंट के कारण जब गाड़ियां चलती हैं तो एक्सीडेंटली अंडे नष्ट हो जाते हैं, या अगर बड़े मवेशी पशु ग्रेजिंग के लिए आ जाते हैं तो फिर अंडों को नुकसान पहुंचता है।
इनकी ब्रीडिंग के बारे में बात करें तो पूरे वर्ष पर्यंत इनमें ब्रीडिंग पॉसिबल है, किंतु अधिकांशतः ब्रीडिंग सीजन मार्च से लेकर के सितंबर तक होता है। ये जमीन पर ही अपने घोंसले बनाते हैं खुले में। और ब्रीडिंग के पश्चात फीमेल इंक्यूबेट करती है एग्स को 1 महीने के लिए। इनका इंक्यूबेशन का पीरियड भी बहुत लंबा होता है। फीमेल्स 2 या 3 वर्ष की आयु के उपरांत ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि मेल्स सेक्सुअली मैच्योर 5 या 6 वर्ष की आयु पर होते हैं। और इनकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये हाईली क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज में एनलिस्ट किया गया है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के अंतर्गत। और अब लगभग इनकी संख्या 150 है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जिसमें से कि 122 बर्ड्स राजस्थान में पाए जाते हैं।